Good morning, students of Prism class. In our previous lecture, we study about the Bohr atomic model and its numerical. Bohr atomic model के अंदर बच्चों हमारे पास energy का relation आया था आपके पास En is equal to minus 13.6 Z square upon m square electron volt per atom. एक हमारे पास formula था energy निकालने का minus 21.6 10 की power minus 19 जेड स्केर अपॉन एन स्केर जूल पर एटम. और बच्चों जो एनर्जी का फॉर्मूला था किलो जूल में वो था 1312 जेड स्केर अपॉन एन स्केर किलो जूल पर मोल. ये फॉर्मूले हमारे एनर्जी के फॉर्म में अप्लाई हुए थे बच्चों. बोर एटॉमिक मॉडल में किस फॉर्म में अप्लाई हुए थे? एनर्जी के फॉर्म में. क्लियर? एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हमारे पास ये फॉर्मूला है, जूल पर एटम में हमारे पास ये फॉर्मूला है, और किलो जूल में हमारे पास ये फॉर्मूला है. डिफरेंट यूनिट्स में हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मूला है. क्लियर? यानी जूल के अंदर हमारा डिफरेंट है, किलो जूल में डिफरेंट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंट फॉर्मूला है. एक एंगुलर मोमेंटम का था एम वी बार इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. एक रेडियस का था आर इज इक्वल टू 0.529 एम स्क्वायर अपॉन जेड. और एक हमारे पास वेलोसिटी का था वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन. अब बच्चों इसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास देखिए बच्चों, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और इसके सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों. देखिए हमारे पास क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी. क्या निकालनी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. और आल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी. और हमें इसी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या निकालना है? आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. इट्स ओके. तो बच्चों हमारी फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? देखिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि हमारा ये न्यूक्लियस है, ये इसका जो फर्स्ट सेल है, ये इसका मतलब क्या होगा? N1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट. और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? N1 से N2. यानी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है कि N1 से किस में एक्साइट हो गया? N इज इक्वल टू 2. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू N. हमारे पास फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में हो गया N इज इक्वल टू 1 से N इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट हो गया आपका चेंज चला गया. इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. यानी डेल ई क्या होगा हमारे पास? डेल इज इक्वल टू ई टू माइनस में ई वन. डेल ई क्या होता है? ई टू माइनस में ई वन. तो डेल ई ई टू क्या होता है बच्चों? हमारा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हमने जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस 21.6 10 की पावर माइनस 19. जेड कितना भी आपका हाइड्रोजन आइटम है तो 1, और एन यहाँ पर ए टू है तो एन कितना हो गया आपके पास? 2 सेकंड से माइनस ये फॉर्मूला के माइनस 21.6 10 की पावर माइनस 19. जेड कितना? 1 का स्क्वायर अपॉन में एन. एन यहाँ पर कितना है? 1 का स्क्वायर. बच्चों हमारा डेली क्या आ जाएगा आपका? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस 21.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 4. ये 2 का स्क्वायर 4. ये माइनस माइनस प्लस 21.6 10 की पावर माइनस 19. 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. ये हमारे पास क्या आ गया? डेल ई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट. क्लियर? तो डेल ई क्या होगा? वी टू माइनस में ई वन. एक बार एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, एक बार एन इज इक्वल टू 1 कर दो, फॉर्मूले बाकी सेम. सेकेंड पार्ट है बच्चों कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी. बच्चों जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या होती है? ई इनफाइनाइट माइनस में ई वन.
आयनाइजेस एंड एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा भी आपका, ई इनफाइनाइट में से ई वन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जब एन इनफाइनाइट हो गए तो क्या होगा जीरो हो गया, ये क्या हो गया जीरो, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या आ जाएगा भी आपका ई इनफाइनाइट तो क्या होगा जीरो माइनस में ई वन, और ई वन की जो एनर्जी वो रहेगी हमारे आयनाइज एनर्जी, हमारे पास माइनस का ई वन, ई वन की वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस 21.8 10 की पावर माइनस 19, ये बच्चो 6-8 में से है। अब जेड हाइड्रोजन के लिए वन होता है और ये भी वन होता है, लेकिन ये माइनस है और ये भी यहाँ पर फॉर्मूले माइनस लगता था भी ये एनर्जी का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21.8 10 के पर माइनस 19, ये हमारे पास क्या क्या एनर्जी से एनर्जी, इसका मतलब माइनस एनर्जी किस में रहेगी आपकी प्लस के अंदर, किस में रहेगी प्लस। तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटी से एनर्जी क्या होगी भी आपके पास, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो डेली क्या हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी में से किसको माइनस कर देंगे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो डेली क्या हो जाएगा 21.6 के परमाणु 19 जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन एटम है तो 1, एन कितना होगा 20 ऑर्बिट के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, ये माइनस वन प्लस होगा, इसको सोल्व कर लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट माइनस ई वन की इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो होगी और ये माइनस में ई वन, और ये माइनस का तो एनर्जी माइनस में होती प्लस में हो जाता है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस इन पर आप अच्छे से कोशिश कीजिए बच्चों, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन अब्सॉर्बिंग देखिए बच्चों हमारे पास क्या कह रहा है, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, टू विच ऑर्बिट किस ऑर्बिट में जाएगा, टू विच ऑर्बिट किस ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन अब्सॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अगर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे किस सेल में चला जाएगा, किस ऑर्बिट में जाएगा, क्लियर। देखिए बच्चों अब वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तभी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो भी कह रहा है कि 12.1 एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन किस एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को गेन करेगा तो किस एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, किस ऑर्बिट में जाएगा, क्लियर। तो बच्चों पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे डिफरेंट सेल्स है, क्लियर, ये हमारे क्या डिफरेंट सेल्स है, जो हमारा n इक्वल टू 1 है बच्चों 1, ये 1 क्या होता है हमारी ग्राउंड स्टेट, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में होगा भी आपका ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में होगा ग्राउंड स्टेट, तो पहले हम एनर्जी किसकी निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालने, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी बच्चों हमारे पास ई वन, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी ई वन माइनस, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला क्या था माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी ये एनर्जी थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमारे का फॉर्मूला यही था जर्मन फॉर्मूला, यही हमारे पास, ये मैंने जर्मन फॉर्मूला लिखा बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जो हमारी ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि जब हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है तो क्या होता है ग्राउंड स्टेट ही होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है सो विच इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट,
an electron present in the n is equal to 1, that is first state, which is known as the ground state. तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी हमारे पास E1 माइनस 13.6 हाइड्रोजन है तो ये 1 हो गया और n कितना है फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितना आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या आएगी माइनस 13.6. अब वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है 12.1. तो बच्चों हमारे पास एक्साइटेड एनर्जी क्या आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी. अभी इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा 12.1 को ऑब्जर्व करेगा तो किस में जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है माइनस 13.6 है और जब ये इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा 12.1 तो कितना आएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी किसकी है हमारी एक्साइटेड स्टेट की. तो इस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ गई हमारी. इस एनर्जी से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि किस ऑर्बिट में गए हैं. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करेंगे. इसके बिहाफ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एन की किस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन गया है अभी आपका. क्लियर. दोबारा देखिए बच्चों टू विच ऑर्बिट. बच्चों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसके कॉन्सेप्ट को समझिए बड़े देखिए क्या है. जैसे मैंने आपको दोबारा से बताता हूँ बच्चों कि हमारे पास जैसे हम एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं ये अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल हमारा मिड में क्या होता है ये न्यूक्लियस होता है. मिड में क्या होता है न्यूक्लियस. ये उसके सराउंडिंग में फर्स्ट सेल है ये सेकेंड सेल ये थर्ड सेल ये फोर्थ सेल और ये हमारे पास है फिफ्थ सेल. ये नंबर ऑफ सेल्स है बच्चों हमारे पास क्या नंबर ऑफ है सेल्स है. ये पहला सेल है ये सेकंड ये थर्ड ये फोर ये फिफ्थ आगे सिक्स्थ रहेगा सेवन्थ रहेगा हमारे पास वेरी सेल चलते रहेंगे. तो हमारे जब फर्स्ट सेल होते हैं ये उसकी क्या होती है ग्राउंड स्टेट होती है. ये क्या होती है ग्राउंड स्टेट. अब ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो किस स्टेट में जाएगा किस ऑर्बिट में जाएगा. क्लियर. तो बच्चों पहले हम उस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट में फाइंड आउट कर लेते हैं. उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में फाइंड आउट करें ग्राउंड स्टेट के अंदर उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे. उसमें 12.1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम अब्जॉर्ब कर देंगे तो किस में जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो किसकी एनर्जी आएगी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी. उस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है अब्जॉर्ब करते वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला ये है. इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या रहेगी दैट इज E1 और ground state की एनर्जी क्या रहेगी आपके पास E1 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है तो 1 और n हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है इन ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 तो माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर सो इट इज इक्वल टू द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. So this energy will be the energy of the ground state of hydrogen atom. यानी minus 13.6 electron volt per atom energy will be the energy of ground state of hydrogen atom. Now excited state energy. What is the excited state energy? Now this electron can absorb 12.1 electron volt energy. So बच्चों नेक्स्ट देखें एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आपके पास इट इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन अब्जॉर्ब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सो रिजल्टेंट एनर्जी इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स बच्चों माइनस 13.6 तो एनर्जी आ गई हमारी ग्राउंड स्टेट की 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की तब हमारे क्या एनर्जी आ गई माइनस 1.5 इट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट. और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और ये कितनी एनर्जी है 1.5 एक्साइटेड स्टेट की. हाइड्रोजन एटम में तो जेड तो 1 हो गया माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1.5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया एन स्क्वायर इधर चला गया तो एन स्क्वायर कितना गया भी आपका 13.6 बटे 1.1 तो ये कितना हो जाएगा इसको क्रॉस करेंगे तो नो एन स्क्वायर कितना गया आपका 9 तो एन कितना गया आपका 3 इसका मतलब किस में जाएगा बच्चों एन इज इक्वल टू 3 यानी फर्स्ट से हमारे पास वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा एन इज इक्वल टू 1 से किस में जाएगा एन इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट. क्लियर. देखिए बच्चों हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी हमारे माइनस 13.6 अब ग्राउंड स्टेट की बात हो बच्चों कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है 12.1
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, और जब ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इसमें ऐड कर देंगे, क्या आ गया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हमारे पास ये है, ये एक सैचुरेटेड स्टेट की एनर्जी के बराबर है। बस SN की वैल्यू निकाल लें, उसके इधर गया 1.5 आपके ऊपर नीचे आ जाएगा, N की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको न्यूमेरिकल उसको कीजिए। बच्चों प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, वो आप अच्छे से कीजिए, ये सबसे मेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास देखिए, देखिए प्लस वन क्लास बच्चों क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा देखिए, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज 8.7 to 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशन स्टेट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस टू। लिथियम प्लस टू के लिए स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी को फाइंड आउट करना बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है बच्चों, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज दैट, इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। क्लियर बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास देखिए, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई इनफाइनाइट माइनस में ई वन, इनफाइनाइट माइनस। तो हीलियम प्लस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए बच्चों, हीलियम पॉजिटिव के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी किसके है Hg प्लस हीलियम पॉजिटिव, इनफाइनाइट माइनस इवन होती है, इनफाइनाइट क्या होता है जीरो बच्चों, ये किसके बराबर रहेगा माइनस का इवन, माइनस के इवन के बराबर रहेगा, और इवन की एनर्जी क्या होती है बच्चों आपके पास माइनस जूल पर एटम है -21.8 10 के पावर माइनस 19 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर जूल पर एटम। चलिए इसको दोबारा समझाता हूँ बच्चों, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिए एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस के क्वेश्चन। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट माइनस ई वन, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस ई वन। तो हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी क्या होती है जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया आपके पास इक्वल टू माइनस का इवन, और इवन की एनर्जी क्या माइनस 21.8, चलो मैं यहां दोबारा लिखता हूं। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या आ गया आपकी ई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीरो होगी माइनस इवन, इवन की एनर्जी क्या होती है माइनस 21.8 10 के पावर माइनस 19 क्लियर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम क्लियर। अब बच्चों हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है हीलियम प्लस के लिए 8.7 to 10 की पावर माइनस 18 हीलियम के लिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 21.8 10 की पावर माइनस 19 हीलियम के लिए जेड कितना होता है बच्चों आपके पास 2, और हीलियम प्लस के लिए सेल कितना होगा 1 का स्क्वायर। यहां से बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट की इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आप अलग से मान सकते हैं x y z, या इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 21.8 10 के पावर माइनस 19। इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, इसको आप कोई कॉन्स्टेंट भी मान सकते हो बच्चों और अच्छे से समझने के लिए x y z कुछ भी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ये 4 ही साइड मार के डिवाइड हो गया आपका 8.7 to 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में 4 के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसको बच्चों x y z कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने x मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं x, एक ही बात है बच्चों, इसको चाहे मैं x मान लो तो x के बराबर आ जाएंगे, ये इसको जीटी रहने दीजिए वेरी प्रॉब्लम, यानी मैंने क्या माना 21.8 10 की पावर माइनस 19 को हम क्या मान सकते हैं x, एक ही बात है बच्चों।
क्लियर एलजीबीस। दोबारा देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर मुश्किल नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट माइनस में इवन। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस में इवन होती है। क्लियर, इनफाइनाइट क्या होगा जीरो, तो किसके बराबर है, माइनस का इवन के बराबर। और माइनस इवन फर्स्ट एनर्जी क्या होती है, हीलियम प्लस के लिए 21.8 10 के पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हीलियम है तो जेड कितना होगा 2, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है यानी इसका भी कितना होगा 1। ये एनर्जी आ गया आपकी, ये माइनस माइनस प्लस 21.8 10 के पावर माइनस 19 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी रखी है, 8.72 10 के पावर माइनस 18। क्लियर, तो बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू x मान लो, इसकी वैल्यू निकालो तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दिया हमने, इट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स ओके। इसके जस्ट बाद ये हमारे आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस। हमें लिथियम 2 प्लस के लिए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट n इज इक्वल टू 1 होगा, उसकी एनर्जी निकालनी है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस 21.8 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर, अब बच्चों उसकी हेल्प से निकालना है, तो यहां पर देखिए 21.8 10 की पावर माइनस 19 की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ये है, अरे इसकी वैल्यू ये है ना, ये एक्स मान रखा हमने, तो ये यहां पुट करेंगे माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 8.72 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 4। यानी इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, ये वैल्यू थी इसकी, इनटू जेड, लिथियम 2 प्लस है तो 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया माइनस 8.72 10 के पावर माइनस 18 इनटू 9 अपॉन में 4। ये आपके पास क्या आएगी, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए एनर्जी आ जाएगी, किसके लिए एनर्जी आ गई बच्चों आपके पास, लिथियम 2 प्लस साइंस के लिए आपके पास क्या आ गई एनर्जी। दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों क्या कह रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव हमारे पास ये है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट माइनस में इवन, इनफाइनाइट जीरो हो गया, या आयनाइजेशन एनर्जी की वो इवन के बराबर ही रहेगी, यानी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी के बराबर। तो इवन की एनर्जी हमने निकाली माइनस माइनस, ये एनर्जी तुम्हारे साथ प्लस हो गई, एनर्जी आ गई, यहां से इस 21.10 की पर माइनस 19 की वैल्यू एक्स मान लिया, इसकी वैल्यू निकाल रहे, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये 2 का स्क्वायर देता कि डिवाइड हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी का इस एनर्जी के साथ रिलेशन हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस के लिए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 21.10 की पर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है तो बच्चों एन तो कितना हो गया हमारा 1 हो गया, और जेड कितना आपके पास लिथियम 2 प्लस है तो 3 है आपका लिथियम, जेड इज इक्वल टू 3। तो बच्चे यहाँ पर वैल्यू लिखी, अब इसकी वैल्यू हमारी यहां से देखी ये सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे एनिस एनर्जी में, ये थी, ये वैल्यू हम पुट कर दी बच्चों, लिथियम के लिए जेड 3 है और एन इज इक्वल टू 1 है, वैल्यू आ गया आपकी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा और बच्चों उसको करवा देता हूँ, देखिए जस्ट फटाफट इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फिर हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसके लिए प्लस वन आपको अच्छे से काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, चलो वो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं एक आपको, उसके बाद देखिए टुडे लास्ट क्वेश्चन इज, हमारा एक क्वेश्चन और है बच्चों, the ionization energy of hydrogen atom in xyz state is, the ionization energy of hydrogen atom in excited state is plus 0.85 electron volt, what will be energy of photon emitted, what will be energy of photon emitted when it return to ground state,
जब एक ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या एनर्जी इमिट करेगा बच्चों? जब एक ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। आयनाइज्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ये बच्चों आयनाइज्ड एनर्जी दे रखी है, यानी हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है भी? प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट? एनर्जी क्या होगी बच्चों एक्साइटेड स्टेट की? एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, इसका माइनस कर दें, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को आयनाइज्ड एनर्जी में चेंज करेंगे तो हम साइन क्या करते हैं? चेंज, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट माइनस एनर्जी होता है। क्लियर? तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है? इसको माइनस 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ फोटॉन इमिटेड व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट? जब एक ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या एनर्जी इमिट करेगा? तो यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर ले बच्चों? एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। और एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या जाएगी आपकी? यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है? जब एन स्क्वायर पे कितना होगा? 1 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 हो गया, और ग्राउंड स्टेट का मतलब एन स्क्वायर टू 1। ग्राउंड स्टेट मींस क्या होता है बच्चों? एन स्क्वायर टू 1, यानी जब हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट। तो माइनस 13.6 जेड कितना भी हमारे पास, जेड स्क्वायर टू कितना होगा आपका? 1, और एन भी कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना का? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी एनर्जी किसके आ गई? ग्राउंड स्टेट की आ गई। किसके आ गई? ग्राउंड स्टेट की। और ये एनर्जी किसकी? एक्साइटेड स्टेट की। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगी? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी भी आपकी? एक्साइटेड माइनस में ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है? माइनस 0.85, और माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस 13.6। तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.85 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर सकते हैं बच्चों? देखिए इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या क्वेश्चन था भी आपका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड स्टेट में। तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपके पास ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनफाइनाइट माइनस दैट एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी? उसका माइनस कर देंगे। आयनाइजेशन एनर्जी किसमें कर दिया हमने? माइनस में, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है बच्चों? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इट मींस हमारे पास एन स्क्वायर टू 1 है। एन स्क्वायर टू 1 यानी फैसल है, तो विच इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड आपके पास 1 है, एन स्क्वायर टू 1 है। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? ई एक्साइटेड माइनस में ई ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड की एनर्जी है माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आपके पास? इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड, ई एक्साइटेड माइनस में ई ग्राउंड स्टेट एनर्जी। चलो बच्चों, नेक्स्ट में हम इसमें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। It's okay.